तो यार अभी जस्ट फाइनली जवान देखकर आ रहा हूँ और सही में टीजर से लेकर ट्रेलर तक एंड फाइनली मूवी देखने तक इसका जो एक्साइटमेंट था वो नेक्स्ट लेवल का था ही। और मूवी देखने के बाद वो एक्साइटमेंट कंप्लीट भी होती है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था वो मूवी पूरी तरह से कंप्लीट करती है। सही बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस रहा मूवी का। एक तो मूवी भी अच्छी थी और थिएटर का जो माहौल था वो भी नेक्स्ट लेवल का बन चुका था। भाई सब चिल्ला रहे थे, मजे कर रहे थे, सीटियां बज रही थी, भाई फुल ऑन पैसा वसूल वाली फीलिंग आ रही थी। और ऊपर से मैंने मल्टीप्लेक्स में देखा है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई सिंगल स्क्रीन का क्या हाल होगा। जब मल्टीप्लेक्स में लोग ऐसा माहौल बना चुके हैं तो सिंगल स्क्रीन का तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही होने वाला है। चलो सबसे पहले अब डिटेल में घुसते हैं और बात करते हैं स्टोरी की। तो हाँ, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी के बारे में एक वर्ड भी मैं बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि मूवी देखने के बाद ही आप स्टोरी जानना। लेकिन हाँ, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि एक एक मोमेंट जो है स्टोरी का वो एंटरटेनिंग है, एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होते हो, स्क्रीन से तो नजरें हटती ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए अगर SRK की रिसेंट की मूवी पठान को ही ले लिया जाए तो हाँ, पठान की स्टोरी भी एंटरटेनिंग थी, लेकिन हाँ उसमें बहुत सारे ऐसे गैप वाले मोमेंट्स मिलते थे आपको, जहां आप थोड़ा सा सोचने लगते थे कि भाई शायद यहां पर थोड़ा बोरिंग हो रहा है। तो वो मोमेंट्स यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पठान से ज्यादा क्रिस्प ये मूवी है 110%। अब देखो, ऑब्वियसली मसाला मूवी है तो हर तरह के इमोशंस इसमें भरे पड़े हैं। एक्शन से लेकर कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, सब कुछ का परफेक्ट बैलेंस यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट लेकर गई है मेरे लिए तो वो है मूवी का इमोशनल एंगल और एक्शन। अगर पहले एक्शन की बात करें तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि एटली का जो डायरेक्शन है वो कितना इम्पैक्टफुल है। वो जानते हैं कि स्क्रीन पे किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरह से उस पर कैमरा एंगल जाएगा, किस तरह से उस कैरेक्टर को दिखाना है जिससे वो लगे कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। तो हाँ, ये वाली फीलिंग एटली के डायरेक्शन में आपको साफ साफ दिखती है। और भाई जो एक्शन सीक्वेंस हैं, हर सीन में, हर एक्शन में, हर पंच पे आप सीटियां तो बजाते ही हो, मतलब हाँ माहौल ही कुछ वैसा बन जाता है। और एक्शन का जो कोरियोग्राफी है वो भी काफी सही है। यहाँ आपको भाई बाइक चेस का सीन भी मिल जा रहा है, कार चेस का सीन भी मिल जा रहा है, भाई घोड़े भी दौड़ रहे हैं एक सीन में, तो भाई दूसरे सीन में आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट देख रहे हो। मतलब होता है ना कि एक्शन भी है तो हर तरह का एक्शन है, हर कोई एंजॉय कर सकता है। फिर यहीं पर आता है मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है इसका कास्ट एंड परफॉर्मेंस। तो कास्ट तो आप लोगों ने देखा ही है ट्रेलर में, भाई परफेक्ट कास्टिंग है, सबका केमिस्ट्री अच्छा है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, सबकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है। SRK तो ऑब्वियसली वो एज ऑलवेज एज अ किंग परफॉर्म कर रहे हैं और भाई उनका जो करिश्मा है आप स्क्रीन पे फील कर पाओगे। लेकिन आप कह सकते हो बाकी जो कास्ट है जैसे कि विजय सेतुपति, उन्होंने भी भाई नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद नयनतारा, उनका भी परफॉर्मेंस कह सकते हो, आई गेस उनका डेब्यू है ये, तो भाई परफेक्ट डेब्यू कह सकते हो। एज एन एक्ट्रेस उनका रोमांटिक एंगल तो यहाँ निकला ही है, लेकिन साथ ही पावरफुल वुमेन का जो रोल होता है वो भी उन्होंने परफेक्टली किया है। और साथ ही जो आपने टीम देखी होगी SRK की, लड़कियों का जो पूरा टीम है वो भी बहुत अच्छे से वेल रिप्रेजेंटेड है। मतलब मैं श्योर हूँ कि आप किसी के परफॉर्मेंस में तो कमी नहीं निकाल पाओगे। और फिर टीजर से लेकर ट्रेलर तक, इवन पोस्टर तक, मूवी का मोस्ट डिस्कस्ड पॉइंट था कि SRK के इतने सारे लुक्स क्यों हैं। ये मूवी उसका भी आंसर देती है। और जो सस्पेंस है भाई, वो सस्पेंस कुछ नेक्स्ट लेवल का ही है। इंटरवल से जस्ट पहले आपको इतना शॉक में चले जाओगे कि शायद आप पॉपकॉर्न खरीदने भी नहीं जाओ। और कह सकते हो कि हर जो डिफरेंट लुक है उसमें SRK की परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाती है। अब वो परफॉर्मेंस क्यों चेंज होती है, मूवी का सस्पेंस क्या है, भाई ये जानने के लिए तो मूवी देखना ही पड़ेगा। और यहीं पर मैं उस एक लुक का बात करूंगा, मतलब SRK का जो बार्ड लुक था भाई वो नेक्स्ट लेवल का था। वो कह सकते हो कि वहां पे जो SRK की परफॉर्मेंस है, जो साइको वाले डायलॉग हैं, बिहेवियर है, वो आप फील कर पाओगे। और भाई मैंने लिटरली कभी इमेजिन नहीं किया था कि बॉलीवुड का कोई मेन स्ट्रीम कैरेक्टर, मतलब कह सकते हो टॉप कैरेक्टर, ऐसा बाल्ड लुक कभी लेगा और उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। भाई अगले कुछ वीक में मैं श्योर हूँ कि SRK के फैंस टकले होके भी घूमने वाले हैं। और मेरे हिसाब से बाल्ड लुक अभी तक इंडियन इंडस्ट्री में साउथ से रजनीकांत ने बहुत ही अच्छा किया था शिवाजी द बॉस में। तो हाँ, उस लेवल की साइकोनेस, उस लेवल का लुक इस मूवी में SRK ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। अब साउथ की बात हुई है तो ये भी कह सकते हो कि ये मूवी एटली के चलते साउथ और नॉर्थ को बहुत ही अच्छे से कंबाइन करती है। मतलब दोनों इंडस्ट्री का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये मूवी आके आपको सामने दिखा देती है। साउथ इंडस्ट्री जो भी बेस्ट प्रोवाइड करती है वो इस मूवी में है, और नॉर्थ की इंडस्ट्री जो भी अच्छा प्रोवाइड करती है
वो इस मूवी में है। और हाँ, एक और पॉइंट मैं ये नोटिस करवाना चाहूंगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये मूवी इतना इमोशनल एंगल देने वाली है। मतलब हाँ, ट्रेलर से थोड़ा हिंट मिला था, लेकिन इस लेवल के इंटेंस इमोशनल सीन्स इस मूवी में होने वाले हैं वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरवल से पहले तो मैं श्योर हूँ कि 2-3 बार तो लोग रो ही देंगे, एटलीस्ट आंखों में पानी तो आ ही जाएगा। और उन इमोशनल सीन्स में जो अनिरुद्ध ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर दिया है, वो परफेक्ट बैठते हैं। और इमोशनल सीन क्या, एक्शन सीन्स में, ड्रामा वाले सीन्स में, हर जगह जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सूट करता है। और ऑब्वियसली मूवी का जो थीम म्यूजिक है, मतलब मेन कैरेक्टर का जो थीम म्यूजिक है, वो तो पता नहीं कितने लोगों का रिंगटोन बनने वाला है। ओवरऑल इन कंक्लूजन इस मूवी के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये मूवी एक परफेक्ट मसाला मूवी है, जहां आपको हर चीज का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। इमोशन ले लो, ड्रामा ले लो, कॉमेडी ले लो, एक्शन ले लो, यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छे से परोसा गया है, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बिंदास एंजॉय कर सकते हो। मतलब हर ऑडियंस के लिए इसमें कुछ ना कुछ है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ, आप लोगों ने अगर जवान देख ली है तो कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो गया थिएटर का माहौल देखकर। फिर भी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। Till then, be desi, be nerd.